विलासपुर तोरबा थाना के अंतर्गत शादी होने के बाद युवक अब दूसरी लड़की से शादी कर रहा है। पीड़ित युवती ने न्याय की गुहार एसपी के पास लगाई है, जिसमें उन्होंने तोरबा टीआई पर कार्रवाई नहीं करने और मिलीभगत होने का आरोप लगाया है। दरअसल यह पीड़िता एसपी कार्यालय में इसलिए खड़ी है क्योंकि इसे न्याय चाहिए। इसका कहना है कि शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करता रहा और जब शादी के लिए दबाव बनाया गया तो उसने मंदिर में चुपके से शादी की, लेकिन पत्नी मानने से इनकार कर रहा है और अब दूसरी शादी करने वाला है, जिसके लिए तोरबा पुलिस को आवेदन दिया गया लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। यही कारण है कि एसपी के पास शिकायत करना पड़ा। आपको बता दें कि एचसीआई गोदाम के पास देवी खुर्द में यह लड़की रहती है और ब्यूटी पार्लर का काम करती है। इसका कहना है कि करीब 3 साल से राकेश यादव के द्वारा मुझे शादी करने का झांसा देकर सगाई के बाद से शारीरिक संबंध बनाते आ रहा है एवं वर्तमान में शादी करने से इनकार कर रहा है। पीड़िता ने बताया कि देवी खुर्द में अपने परिवार के साथ रहती हूँ एवं राजकिशोर नगर में पार्लर का काम करती हूँ। सिरगिट्टी निवासी निर्मला बाई यादव सन 2019 में पार्लर में काम कराने के लिए आई थी। हम दोनों के बीच घनिष्ठता हो गई। कुछ दिनों के बाद हम दोनों का एक दूसरे के घर में आना जाना शुरू हो गया। निर्मला यादव के घर में 3 लड़के थे। बड़े लड़के का नाम नहीं जानती हूँ, मझला लड़के का नाम राहुल यादव है एवं छोटे लड़के का नाम राकेश यादव है, जो अकलतरा रेलवे स्टेशन में अपने पिता के स्थान पर पोर्टर के पद पर काम करता है। राकेश यादव के साथ घर आने जाने के दौरान हम दोनों का लगाव हो गया। मेरा मोबाइल नंबर लिया। हम दोनों की बातचीत सन 2019 से शुरू हो गई। करीबन 6 माह बाद 2019 में ही परिवार वाले मिलकर हम दोनों की सगाई कर दी और जून माह से हम दोनों का मिलना जुलना शुरू हो गया। मैं निर्मला यादव बीच बीच में राकेश की भाभी की मृत्यु होने पर निर्मला यादव जेल में थी। बड़ा लड़का आज दिनांक तक लाचार है। जुलाई माह राकेश मेरे घर आया और बोला कि सगाई तो हो गया है, शादी तेरे साथ होगा और मेरे साथ जबरदस्ती से शारीरिक संबंध बनाया। पीड़िता ने कहा कि शादी का झांसा देकर मुझसे शारीरिक संबंध बनाया, उसके बाद दूसरी लड़की से शादी करने के लिए राजी हो गया, जबकि मेरे साथ पहले से ही मंदिर में शादी हो चुकी है। इसके बाद भी अन्य जगह शादी किया जा रहा है। इसमें तोरबा पुलिस की भी मिली भगत, जो इस मामले में शिकायत होने के बाद भी कार्यवाही नहीं कर रही है। अगर ऐसा ही रहा तो मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। देखा जाए तो शादी के नाम पर शारीरिक संबंध बनाना और जिंदगी बर्बाद करना आजकल खेल हो गया है। जाहिर है कि न्याय की गुहार लेकर पीड़ित इंसान थाने में ही जाएगा, लेकिन जब थाने वाले ही ना सुने तो उसके बाद आत्महत्या करने को पीड़ित मजबूर हो जाता है। लेकिन इस मामले में एसपी की फटकार के बाद क्या असर होता है, देखने वाली बात होगी। आपके साथ न्याय नहीं होता है तो आप क्या करोगे? क्या करूंगी, आत्महत्या के सिवा कुछ नहीं है मेरे पास में। एसपी कार्यालय जाऊंगी, कलेक्टर जाऊंगी, आईजी के पास जाऊंगी, उन लोगों के सामने में ही आत्महत्या करने के मजबूर हो जाऊंगी मैं, क्योंकि लड़का तो 3-3 साल तक मेरे साथ में रहकर शोषण किया है, शादी किया है, आज दूसरी शादी कर रहा है और 2-3 लड़की से और उनका अफेयर है। मेरे को न्याय नहीं मिल रहा है और कानून प्रशासन तो कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। नाम बताओ। लक्ष्मी यादव। क्या नाम है उसका, क्या काम करता है? राकेश कुमार यादव नाम है उनका, वो पोर्टर का काम करता है। पापा के जगह में मिले हैं अनकुंपा में और रेलवे क्वार्टर में रहता है कलतरा में। तोरबा थाने वाले क्या बोलते हैं? तोरबा थाने वाले कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं सर उसमें। तो अभी एसपी ऑफिस आई थी आज, दो हफ्ते हो गए हैं एसपी ऑफिस आते हुए, कार्रवाई के लिए तोरबा थाना बोल दिए हैं, बोले अभी तक तोरबा थाना से फोन वगैरह नहीं आया है, आज उनकी शादी है। अभी एसपी के द्वारा क्या आश्वासन दिए हैं आपको? अभी बोले हैं कि आप तोरबा थाना जाओ, हम टीआई से बोल चुके हैं, वो आपका कार्रवाई करेंगे। ठीक है, नाम बताओ। लक्ष्मी यादव।